हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ममता पांडे आर्य आर्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए बड़े में कैसे त्रिशूल बनाएंगे। कमेंट्स आ रहा था कि बड़े में हम त्रिशूल कैसे बनाए। अगर वीडियो पसंद आ जाए फ्रेंड्स तो लाइक करके हौसले को ज़रूर बढ़ाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें। चैनल पर अगर अभी तक नए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जो भी पूछना है आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर पूछें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पूरा 51 चेन बनाकर 50 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है। पहले हमने 51 चेन बनाया, फिर इसके बाद 50 डबल क्रोशिया बनाकर रेडी कर लिया है। यहाँ पे हम फ्रेंड्स आप लोगों के लिए लॉन्ग में त्रिशूल बनाकर दिखाएंगे। पूरे में बड़ा साइज़ में हम आपको त्रिशूल बनाकर दिखाने वाले हैं। ये देखिए, अब इसके बाद क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे दो लाइन बनाया है, एक और दो लाइन 50-50 डबल क्रोशिया बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, तीसरी वाली लाइन भी ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा यहाँ तक आना है। पहले तीन चैन बनाएंगे, किनारे पे हमें तीन चैन ही बनाना है फ्रेंड्स, फिर इसके बाद डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, अगर आपको शॉर्ट बनाना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें भी हमने छोटा त्रिशूल बनाकर दिखाया है तोरण बॉर्डर पे, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा यहाँ तक आ जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 46 डबल क्रोशिया बनाकर रेडी कर लिया है और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 छोड़ दिया है। फिर इसके बाद अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से त्रिशूल बनाना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स हम यहाँ पे सीधे बगल से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये सीधा बगल है, ये उल्टा है, तो यहाँ से देखिए हम ये वाला कलर लगा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम पहले एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया। फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्रीम कलर से दो डबल क्रोशिया बनाकर रेडी कर लिया है। धागे को थोड़ा थोड़ा टाइट करते जाएंगे फ्रेंड्स, तो एकदम आराम से बहुत ही अच्छा दिखेगा। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ये वाले कलर से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया। टोटल 4 डबल क्रोशिया बनाकर 50 डबल क्रोशिया फ्रेंड्स हम यहाँ पर पूरा कम्प्लीट कर लिए हैं। ये देखिए, फिर इसके बाद 1, 2, 3 चैन बनाएंगे फ्रेंड्स, फिर इसको करेंगे उल्टा। उल्टा करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, अब 1 डबल क्रोशिया और यहाँ पे जो 3 चैन बनाए हैं 2 डबल क्रोशिया हो गया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, अब ये वाला जो है यहाँ से इस कलर से 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब क्रीम कलर से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3, 4, 5 फ्रेंड्स, इस वाले कलर से पूरा हमें यहाँ तक रेडी करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्रीम कलर से पूरा 18 डबल क्रोशिया बनाकर रेडी कर लिए हैं। 18 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब इसको करेंगे ये उल्टे साइड से ही धागा रहना चाहिए। फिर इसके बाद अब देखिए इस वाले कलर से बनाएंगे
अब ये वाला यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे लास्ट तक, और तीन चैन बना लेंगे लास्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, इस वाले कलर से हमने पूरा 29 डबल क्रोशिया बनाकर रेडी कर लिया है, और लास्ट में हमने तीन चैन भी बना लिया है फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, सीधा करने के बाद अब वापस से इसी वाले कलर से फ्रेंड्स डबल क्रोशिया बनाना है। अब इस वाले कलर से फ्रेंड्स हम डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा यहाँ तक आएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 29 डबल क्रोशिया वापस से बना लिया है दूसरी भी लाइन। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इस वाले कलर से ये क्रीम कलर से बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इस वाले कलर से बनाएंगे, धागे को थोड़ा थोड़ा टाइट करते जाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, अब इस वाले कलर से फ्रेंड्स पूरा यहाँ तक बनाएंगे डबल क्रोशिया, और लास्ट में तीन चेन बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पूरा 20 डबल क्रोशिया बनाकर रेडी कर लिया इस वाले कलर से, और लास्ट में तीन चेन बना लिए हैं फ्रेंड्स। अब इसको करेंगे उल्टा साइड। अब उल्टे साइड से देखिए फ्रेंड्स, फिर से वापस से इसी वाले कलर से बनाएंगे फ्रेंड्स, डबल क्रोशिया ही बनाना है। वापस से इसी वाले कलर से फ्रेंड्स पूरा यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, डबल क्रोशिया ही बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, दोबारा ये जो लाइन लेके आए हैं वापस से 20 डबल क्रोशिया बनाकर रेडी कर लिए, यहाँ पे भी 20 डबल क्रोशिया और इस लाइन में भी 20 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, इस वाले कलर से बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये वाला धागा जो है पीछे साइड ही रहना चाहिए, उल्टे साइड ही रहना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इस वाले कलर से बनाएंगे। अब इस वाले कलर से फ्रेंड्स पूरा यहाँ तक लास्ट तक बनाएंगे। ये देखिए, इस वाले कलर से पूरा लास्ट तक बनाकर तीन चैन बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स, 29 डबल क्रोशिया बनाकर और तीन चैन बना लिए हैं। अब इसके बाद करेंगे इसको सीधा फ्रेंड्स, सीधे बगल से बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, इस वाले कलर से बनाएंगे, दो हो गया, दो डबल क्रोशिया, तीन, चार। फ्रेंड्स हम यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बनाकर कर रहे हैं। यहाँ पे आप दो डबल क्रोशिया पे भी बना सकती हैं, इसका जो डंडी हम बनाएंगे दो डबल क्रोशिया के बाद भी ये वाला कलर लगाकर बना सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे चार डबल क्रोशिया छोड़ रहे हैं। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इस वाले कलर से बनाएंगे। फ्रेंड्स अगर एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए हमने दोनों टू प्लाई ऊन लिया है, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो ऊन है टू प्लाई ही है, लेकिन इससे मोटा है। दोनों ऊन एक साइज़ का रहेगा, ये
ये जितना मोटा है उतना मोटा ये भी रहना चाहिए, तो बहुत ही प्यारा लगेगा। अभी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो डबल क्रोशिया बना रहे हैं, ये वाला डबल क्रोशिया फ्रेंड्स हमको बनाते हुए पूरा यहाँ तक आना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 43 डबल क्रोशिया बनाकर रेडी कर लिया है। ये देखिए, अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इस वाले क्लब से बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, फिर इसके बाद एक दो तीन चैन फ्रेंड्स। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये धागे को खींचेंगे, पहले बराबर कर लेंगे, फिर इसके बाद उल्टा करेंगे। अब उल्टे साइड से देखिए फ्रेंड्स, इस वाले कलर से बनाएंगे। अब उल्टे बगल से फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे इस वाले लाइन के बगल में जितना भी डबल क्रोशिया बनाए हैं, सेम यही वाला डबल क्रोशिया उतना लाइन यहाँ पे रख लेना है। जितना डबल क्रोशिया यहाँ पे है उतना डबल क्रोशिया इस वाले लाइन में बना लेंगे। अब यहाँ पे जैसे जैसे ये उल्टा बनाएंगे, अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, हम आपको सीधे बगल से दिखा रहे हैं। पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, बनाते हुए यहाँ तक आया, तो अब यहाँ पे यही वाला चीज़ हमको इस बगल रखना है, तो हम यहाँ से बनाएंगे। अब इधर से जाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे ये वाला जो लाइन है वही लाइन यहाँ पे हम रख देंगे। जितना डबल क्रोशिया यहाँ पे है उतना डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बनाकर रेडी कर लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे बना लेंगे पूरा यहाँ तक। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 20 डबल क्रोशिया बनाकर रेडी कर लिया है। यहाँ पे भी 20 डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम दो दो डबल क्रोशिया बना है, तो दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस वाले कलर से, क्रीम वाले, क्रीम कलर से बनाएंगे दो डबल क्रोशिया। ये देखिए, दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो लाइन बना है फ्रेंड्स क्रीम कलर से, इस वाले कलर के बगल में ये वाला जो लाइन बनाए हैं, इस वाले लाइन में जितना डबल क्रोशिया होगा सेम हमको उतना डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाकर रेडी कर लेना है। ये देखिए, इस साइड जो है फ्रेंड्स बहुत ही आसान है बनाना, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे बना है बस इसी ये वाला जैसे बना है यहाँ पे रखते जाएंगे। अब इस वाले कलर से फ्रेंड्स पूरा लास्ट तक बनाएंगे और तीन चैन बनाकर रेडी कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा 29 डबल क्रोशिया बना लिया है। जैसे यहाँ पे हमने 29 डबल क्रोशिया बनाया है, सेम हमने 29 डबल क्रोशिया बनाकर रेडी कर लिया है। और यहाँ पे तीन चैन, अब इसको करेंगे सीधा फ्रेंड्स, सीधे बगल से बनाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वाला लाइन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये वाला लाइन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे इसके बगल वाला लाइन जो है, ये जितना डबल क्रोशिया है यहाँ पे भी 29 डबल क्रोशिया है, तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक 29 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी वाले कलर से बनाना है फ्रेंड्स। दो, तीन, चार, पाँच, अब इसी कलर से पूरा मिलाकर 29 डबल क्रोशिया रेडी कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरा लाइन भी 29 डबल क्रोशिया बनकर रेडी हो गया। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो डबल क्रोशिया है क्रीम कलर से, तो इस वाले कलर से दो डबल क्रोशिया बना लेना है फ्रेंड्स। एक, दो, फिर इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया बनाए हैं इस वाले कलर से, तो इस वाले लाइन में भी 20 डबल क्रोशिया इस वाले कलर से बना लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा 20 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे तीन चैन बना लिए हैं फ्रेंड्स। अब इसके बाद करेंगे इसको उल्टा,
अब उल्टे साइड से देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या करना है, ये वाला लाइन बनाना है। तो पहले यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया इस वाले कलर से है, तो पहले 4 डबल क्रोशिया इस वाले कलर से बना लेंगे फ्रेंड्स। 2 हो गया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो लाइन है फ्रेंड्स, ये वाला जो लाइन है 18 डबल क्रोशिया बनाए हैं यहाँ पे, तो हम टोटल 18 डबल क्रोशिया उस इस वाले कलर से बनाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, इस वाले कलर से क्रीम कलर से पूरा टोटल 18 डबल क्रोशिया फ्रेंड्स पूरा बना लेंगे यहाँ तक। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा 18 डबल क्रोशिया इस वाले कलर से हो गया। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इस वाले कलर से बनाएंगे। अब इस वाले कलर से फ्रेंड्स कितना बनाना है ये देखिए, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो लाइन है यहाँ पे, ये वाला लाइन में ये जितना भी डबल क्रोशिया होगा बस इतना डबल क्रोशिया हमको यहाँ पे रख लेना है फ्रेंड्स। यहाँ तक पूरा बना लेना है, लास्ट तक बनाएंगे, फिर 3 चैन बना। 29 डबल क्रोशिया बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये वाला जो लाइन है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वाला जो लाइन है यहाँ पे हमने 29 डबल क्रोशिया बनाया है, तो हमने इसमें भी 29 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चैन बना लिया है फ्रेंड्स। अब करेंगे इसको सीधा, अब सीधे बगल से बनाएंगे फ्रेंड्स। अब सीधे बगल से देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो लाइन है, इस वाले लाइन के बगल वाला जितना भी डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसमें जितना भी डबल क्रोशिया है फ्रेंड्स, बस उतना डबल क्रोशिया हमको इसमें रख लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा 46 डबल क्रोशिया है, तो पूरा इसमें पूरा 46 डबल क्रोशिया है, तो 46 डबल क्रोशिया बनाकर पूरा यहाँ तक रेडी कर लेना है फ्रेंड्स। इस वाले कलर से 46 डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा 46 डबल क्रोशिया बनकर रेडी हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया क्रीम कलर से बनाया है, तो 2 डबल क्रोशिया लास्ट में क्रीम कलर से बना लेंगे। ये देखिए, फिर इसके बाद फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए 1 2 डबल क्रोशिया है, तो 2 डबल क्रोशिया इस वाले कलर से बना लेंगे। ये देखिए कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स ये। अब यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे। अब जितना लाइन यहाँ पे हम ये वाला इस वाले कलर से एक्स्ट्रा बनाए रहेंगे फ्रेंड्स, इतना लाइन हमको इस बगल भी रखना है, तो हम यहाँ पे देखिए 1 2 लाइन बनाए हैं, तो 2 लाइन हम इस वाले कलर से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 2 लाइन बना लिया है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और ध्यान देना है, जैसे हमने यहाँ पे 1 और 2 लाइन बनाने के बाद ही ये त्रिशूल का आकार बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ पे आपको कितना लाइन चाहिए एक्स्ट्रा इस वाले कलर से, ये जो हम जमीन बनाए हैं इसका कितना चाहिए, कितना लाइन, 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन के बाद भी आप बना सकती हैं। जितना लाइन अगर आप यहाँ पे 6 लाइन बनाई है, तो 6 लाइन इस साइड भी बनाना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ पे हमने बीच में 1 और 2 लाइन गैप किया है, मतलब इसके ये जो आकार हमने बनाया है 2 ही लाइन बनाया है। अगर आपको और भी चौड़ा चाहिए इसका आकार, ये जो चौड़ाई है इसका और भी आकार चौड़ा चाहिए, तो यहाँ पे हम 3 लाइन भी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 1 लाइन 2 लाइन बनाया, 3 लाइन बनाने के बाद ये वाला लाइन बनाइए, फिर इसके बाद यहाँ पे अगर हमने 3 लाइन इस साइड बनाया है, तो ये 3 लाइन इस साइड भी बनाना पड़ेगा, तो ये जो त्रिशूल का आकार है ये और भी चौड़ा हो जाएगा। और एक चीज़ फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये डंडी जो है हमने इसका बड़ा किया है, अगर आपको छोटा चाहिए तो यहाँ पे हमने 18 डबल क्रोशिया बनाया है, तो आप 20 भी बना सकती हैं, 21 भी बना सकती हैं, जितना चाहिए उस हिसाब से आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से बना सकती हैं।
हमने फ्रेंड्स इसमें बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया है, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा और बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगी, उम्मीद करते हैं।